भाई आज का दिन बहुत खास है. अच्छा अच्छा आज तक आपने हमेशा देखा कि हमारे इस मंच पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से तमाम दिग्गज कलाकार आते रहे, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं अलग अलग भाषाओं में, उस इंडस्ट्रीज के सब बड़े बड़े सुपरस्टार आने वाले हैं. वो क्यों आ रहे हैं ये मैं उनके आने के बाद ही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे इन्वाइट उनको करना चाहूंगा जिनकी वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ है. सो प्लीज वेलकम हमारी फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे ज्यादा फिट और गुड लुकिंग स्टार्स, मिस्टर सोहेल खान एंड मिस्टर सुनील शेट्टी. सोहेल भाई, सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. शुक्रिया, थैंक यू. सोहेल भाई तो दुकान ओपन करवा के गए थे. सोहेल भाई रेगुलर आते हैं ना? नहीं सर, मतलब आ सकते हैं, घर का प्रोडक्शन है. नहीं, पर इस बार डिफरेंट है. जी, सिनेमा हॉल नहीं, इस बार स्टेडियम की सौगात है. कभी विकेट तो कभी रनों की बौछार है. और सर, सोहेल भाई की दमदार टीम को देख के लगता है शिकार पे निकली शेरों की बारात है. हम लोग स्ट्रगलिंग क्रिकेटर्स हैं. ना जी सर, ना 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 ना. आज अगर आपको कोई देखे तो आप असरदार सरदार हैं. देखिए आपका पहनावा, देखो भाई, देख लो. सोहेल भाई को और अन्ना को देख के लगता है कि इधर शूटिंग रोके, सबसे पहले तो हम जिम जाएं. अरे वाह, मतलब कितने फिट हैं. मतलब मैं हमेशा सोहेल भाई को भी ये बात बोलता हूँ, अन्ना आप भी, जब मतलब जब भी देखता हूँ कसम से, फिर क्या शर्म आती थोड़ी थोड़ी कि यार हमें भी करना चाहिए. आप सब भी जाया करो. और इस बात पे ना एक बात और कह दूं जी, सबसे आसान है मोटा होना. खाए जाओ बकर बकर, खाए जाओ पराठे, खाओ ये जो मर्जी करे जाओ. और सबसे मुश्किल है ऐसा बनना. बिल्कुल, ऐसा बनना सबसे मुश्किल. ये मेहनत है, तपस्या है गुरु. ठोको मत रोको, तपस्या है ना. मैं चाहूंगा कि सोहेल भाई आप लोग ही बताइए कि आज जी जो आप यहाँ पे आए हैं वो किस वजह से आए हैं. सो सोहेल भाई प्लीज आप बताइए. इनफैक्ट पाजी बहुत रिलेट करेंगे इस चीज से. करीबन 9-10 साल पहले जी, देयर इज अ जेंटलमैन कॉल्ड विष्णु इंदूरी, वो हमें मिलने आए और उन्होंने कहा कि उनको एक क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करना है वेर हिंदुस्तान के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जी उनको जोड़ के और जो भी सेलिब्रिटीज है सब साथ में क्रिकेट खेलेंगे. वो आइडिया तो बहुत ही बढ़िया था कि क्योंकि हमें सबको एक शौक है बचपन से कि स्टेडियम में जाके क्रिकेट खेलना, और वो हमें सबको एक मौका मिल रहा था. लेकिन जो नॉलेज और जो लव हमेशा क्रिकेट के लिए हुआ है, जो एक मैंने अपने वालिद साहब में देखा है, वो जो उनका जो प्यार है क्रिकेट के लिए, और दूसरे अन्ना, तो मैं अन्ना के पास गया और मुझे जनरली लगा कि जो हमारी टीम है जो मुंबई को रिप्रेजेंट करेगी, करीबन 7-8 दिन या एक हफ्ता लग जाएगा जी उसको जुड़ने में. उस वक्त मैंने इस आदमी का पावर जाना. हमारी पूरी 14 की टीम अच्छा जी 5 मिनट में कंफर्म हो गई थी विद वन कॉल. और मैं आपको एक बहुत मीन चीज बताता हूँ रिगार्डिंग कपिल पाजी. हम खेल रहे थे डीवाई पाटिल स्टेडियम में. मैंने डीवाई नहीं कही, हमारे डीवाई पाटिल स्टेडियम में. तो ये आए और ये आप सीरियसली मेरे पास आते और कहते कि आप भाई 1.5 घंटे लगते आने में, 1.5 घंटे लगते जाने में, आप 1 घंटा तो खेल लो. एक्चुअली ये जो नया फॉर्मेट आया ये आपकी वजह से आया कि आप 2020 मत खेलो, T10 खेल लो, तो इतने विकेट नहीं जाएंगे. तो CCL की टीम से, मुंबई हीरो से सोहेल भाई और सुनील सर तो यहाँ आए ही, लेकिन अब वक्त है बाकी टीम्स के कैप्टन्स और प्लेयर्स को यहाँ पे इनवाइट करने का, जो कि अपनी अपनी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सुपरस्टार्स भी हैं. तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भोजपुरी दबंग से मिस्टर मनोज तिवारी जी और दिनेश निरहुआ. एक बार मनोज भाई और निरहुआ जी के लिए जोरदार तालियां. जी जब भी आवत है जब भी आवत है सबका मन भावत है. वाह वाह, यूपी से बिहार तक मन में मृदुंग बजावत है. सिख बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मनोज भैया अपने गीतों से ऐसी आग लगावत है कि 80 साल का बुजुर्ग भी वाइब्रेशन मोड पे आ गया. क्या फोटो मत रोको.
क्यों नहीं रहुआ? क्या बात है, ऐसा प्यार बीजेपी और कांग्रेस का किसी ने नहीं देखा। यहाँ था बोलने वाला था। बड़ा शरारती है तू, बहुत गठबंधन का मौसम भी चल रहा है। हम लोग बस यही कहना चाहते हैं, जो सीसीएल में खेलते हैं पाजी, तो हम लोग इस लाइनों के साथ खेलते हैं। गा के सुनाओ थोड़ा। हाँ जरा सा सुर दे दीजिए ना मुझे। हम लोग इस भाव से खेलते हैं कपिल भैया जी। एक तो तुम फिर से आ गए ना, बड़ा मजा आ रहा है सर। लव यू। कई लोग मिलते थे, किधर है हमारे गांव में लोग, कपिलवा कहाँ बाहो? आजकल चर्चा, मुझे भी पूछा कपिलवा कहाँ है, मैं कहा ट्विटर पे है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अब मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे कर्नाटका बुलडोजर से मिस्टर सुदीप किचा, जोरदार तालियां। सुपरस्टार, आप सबने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा पाजी, मक्खी कमाल थी, क्या ही बात है। अब जोरदार तालियां हो जाएं तेलुगु वॉरियर से मिस्टर सचिन जोशी और मिस्टर सुधीर बाबू, सारी इंडस्ट्रीज से यहाँ पे तमाम दिग्गज कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ इतने लोग तो सामने नहीं जितने यहाँ पे हैं। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे सुपरस्टार्स के लिए। सर प्लीज विराजमान हो जाइए, ऊपर आ जाओ, उधर बैठेंगे सर। नहीं 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 कोई बात नहीं सर, नहीं सर आप, अरे सर प्लीज प्लीज बैठिए, ऐसा मत करो सर। अरे नहीं मैं तो, नहीं नहीं सर ठीक है। नहीं बिहार और पंजाब एक साथ। बिहार बंगाल छोड़, पूरा हिंदुस्तान है ये। सुनील भाई देखो, पहले जब मैं प्रोड्यूस करता था शो से चाय भी नहीं आती थी, सलमान भाई आए पपीते आने लगे, वेरी बिग बजट। अच्छा मैं ना हमेशा सिद्धू पाजी को हमेशा छेड़ता हूँ कि पाजी आपने कितने सारे काम किए, आपने क्रिकेट खेला, कमेंटेटर बने आप, आपने पॉलिटिक्स की, टीवी शोज भी करते हैं, पर पाजी देख लो आप, मनोज भाई ये सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। सर आप टैलेंटेड ज़्यादा हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या? मतलब आपको मजा किस चीज़ में आता है सर? मुझे पता, मैंने पहले ही सोहेल भाई को बोला था कि आप गलत जगह ले जा रहे हम लोगों को, हम लोगों की बनाने से ज्यादा उतारेगा। अरे नहीं सर, पर अपने क्या दाल फुलका जो अपनी है वो इन्हीं बातों से चलता है, इसलिए ऐसी करनी पड़ जाती है। पर वैसे आपको मजा किस में आता है मनोज जी, गाना गाने में, एक्टिंग करने में, पॉलिटिक्स में या क्रिकेट खेलने में? नो डाउट मुझे गाना गाने में बहुत मजा आता है। अच्छा जी वाह। बट इस समय सच पूछिए तो वो सिद्धू पाजी भी जानते हैं जी, पॉलिटिक्स बहुत कठिन है, बट हम फिर भी इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा उसको मजा लेने की कोशिश करें। मजा इसलिए आ रहा है कि अभी आपका 5 लाख रुपया तक इनकम टैक्स फ्री है। देखो 5 लाख इनकम टैक्स फ्री करने के लिए 5 साल लगे क्यों? जी 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 हाँ जी बीजेपी। वो पाजी क्या थोड़े इंतजाम करने पड़े ना, थोड़ा इंतजाम किया, थोड़ा काम किया, रस्ते बनाए। ये फंस गया। सर बैठ जाओ सर। मेरे ना सवाल ही मेरे वॉश हो गए सारे। मेरी हाथ जोड़ के बिनती, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो हर एक सरकार में हंसाते हैं लोगों को, हमें माफ किया जाए। सोहेल भाई एक ना बच्चों के काफी सारे सवाल है, बच्चे जो बैठे हुए हैं जी, बहुत सारे बच्चे जो क्रिकेट के बड़े फैन है, सब फैन है, तो इनका ये सवाल था कि जब आप क्योंकि प्रोड्यूसर भी हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने सामने वाले खिलाड़ी को ये बोला कि हमें इजी सी बॉल डाल, हम छक्का मारें, अगली फिल्म तेरे को पक्का, ऐसे कुछ? ऐसे ऐसा होता है, करप्शन है सीसीएल में? अरे ये जो आपने बात कही है जी, हम मुझे लगता है हमारा कुछ 6वां सीजन था, और हम तब तक हारते जा रहे थे जी। तो एक बार हमें एक मौका मिला था सेमीफाइनल्स में आने के लिए जी, बाजी वो ऐसा इक्वेशन था कि अगर हम जीतते तो हम आते, और अगर जीशु की टीम बंगाल अगर जीतती भी तो नहीं आती। अच्छा। तो मैं क्या जीशु को मिलने के लिए तो मैं क्या जीशु को मिलने के लिए ऐसे जीशु आपसे बात करनी थी। तो ऐसे जीशु देखो यार, तुम जीतोगे या हारोगे, तुम एज इट इज आउट है। अगर
थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़े हमें जीतने के लिए, तो इनका एक्सप्रेशन था ना, नहीं यार, ऑल सेड एंड डन, लेट द बेस्ट टीम विन, इट डजंट मैटर वंस वी ऑन द फील्ड. मैं और चीचा इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब हम फील्ड पे होते हैं एवरीथिंग गेट्स सो सीरियस व्हेन द गेम इज ऑन. जेन्युइन पैशन फॉर द गेम. और हाईलाइट है इनकी टीम का, मतलब इनकी टीम जो, इनका जो नाम है ना भोजपुरी दबंग जी, मतलब बाजी बॉलर वहां से शुरू होता है रनअप लेके, बैट्समैन यहां से शुरू हो जाता है. आधे पिच में आके खेलते हैं यार. तो यही वजह भाई सीसीएल जो है लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं. अच्छा सुदीप जी को आप सब जानते हैं, साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, इनकी फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पे जो है रिकॉर्ड तोड़ती रहती हैं. सुदीप जी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, जब आप अपनी टीम में जो बैटिंग ऑर्डर सेट करते हैं या जो भी प्लेयर्स का, तो ऐसे होता है कि ये इसकी फिल्म ने 200 करोड़ किया इसको ओपनिंग के लिए भेजो, इसने 50 करोड़ कमाया इसको छठे नंबर पे भेजो, ऐसा होता है कि बैटिंग के हिसाब से भेजते हैं? नहीं सर ऐसा नहीं होता है. अच्छा जी, लेकिन ये ध्यान में रखते हैं कि किसके ऊपर खेल रहे हैं. एक अच्छा जी, अगर तमिलनाडु है तो थोड़ा इधर से खेलते हैं. अच्छा वाह, क्या बात है यार. तो हम सोएंगे नहीं. अच्छा इसको तो मारना है. ये सही है, क्योंकि ये क्रिकेट हम खेलते हैं, दो आप दोनों के बीच हो रहा है ना, उधर होता है. जब किचा बोल रहे थे कि हम उनको मारते हैं, तो किचा का मतलब यही नहीं था, ये मत समझिए कि हिंदी में प्रॉब्लम है और मारने की, वो जेन्युइन मारने की ही बात करते हैं. जब किचा बोलता फील्ड में तो मारने की ही बात, वो उसकी हिंदी 100% परफेक्ट है. जो मैं इवन जब, मैं तमिलनाडु के बारे में बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि वो पॉलिटिकल इश्यू की बात नहीं है, वो कावेरी वो नहीं है. This is between yellow and blue, sir. Genuine problem is there. Genuine. ये तो हमारे नींद में भी आते हैं. They played finals 3 बार खेल चुके हैं दोनों, ये yellow and blue. और लोग तो सर आते हैं semi-final पहुंचेंगे ही नहीं. अगर पहुंच भी गए सर semi-final, 100% वो येलो भी रहेगा सर, वो फाइनल्स में और ये ब्लू रहेंगे. हम लोग ऐसे देखते हैं, ताली बजाते हैं, वापस चले जाते हैं. नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं. आफ्टर पार्टीज और पार्टीज में सबसे ज्यादा मजा बंगाल टाइगर्स और मुंबई हीरोज करते हैं, क्योंकि हम लोग कोई मैच जीतते ही नहीं है, तो उधर में जाके हम लोग पार्टी करते हैं ना सर. तो पार्टी करने के लिए हम लोग वहाँ जाके सर, ना ना इट्स ऑनेस्ट कन्फेशन सर, हम लोग वहाँ जाके मजा करते हैं सर, हारते हैं जाते हैं रात को पार्टी करते हैं सो जाते हैं सर. अच्छा सुबह का फ्लाइट लेके वापस घर. एक्चुअली इतनी टेंशन भी क्यों लेनी, मतलब अपना आराम से खेलो हारो और सो जाओ. और बोलते भी हैं किसी में दम है तो हमसे हार के दिखाओ. करेक्ट, थैंक यू सर. सिद्धू भाई आज यहाँ पे एक ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने आपसे भी ज्यादा काम पकड़े हुए हैं. कैसे, कौन ये? मैं मिलवाना चाहता हूँ मिस्टर सचिन जोशी जी, इनके लिए जोरदार तालियां. ये तेलुगु वॉरियर्स के को ऑनर भी हैं, साथ ही साथ ये एविएशन होटल रिजॉर्ट रियल एस्टेट फाइनेंस फिटनेस सेंटर और हेल्थ स्पा जैसे काफी, कितने हैं सर टोटल आपके काम? सर लगभग 19 इंडस्ट्रीज है. 19. मैं अपनी लाइफ में पहले एक्टर था, मैंने सबसे पहली बार 8 साल की उम्र में एक्टिंग की है, क्योंकि मेरा घर और FTII सेम वॉल शेयर करते थे, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए डॉक्यूमेंट्रीज की है जी. उसके बाद मेरी पहली इंट्रोडक्शन तेलुगु फिल्मों में हुई है, लेकिन एक बिजनेस एक जो चीज़ है वो मुझे इनहेरिटेंस में मिला अपने फादर जी. लेकिन मैं एक्टर था हूँ और रहूँगा. वाह कपिल भाई साहब और सिद्धू पाजी, आप सब लोगों को देश को बताना चाहता हूं मैं कि हमें कैसे पता होता कि ये जिसू सेन गुप्ता हैं बंगाल के एक्टर हैं, हमें कैसे पता होता है राजीव पिल्लई हैं केरला मलयालम के एक्टर हैं, उनको कैसे पता होता हमारे यहाँ दिलेश लाल यादव निरहुआ है, सोहेल सर कैसे जानते कि हमारे यहाँ विक्रांत सिंह है. ये सब कुछ तब हुआ जब हम लोग पूरे देश को एक स्टेडियम में जुटा दिए और वी आर प्राउड ऑफ दिस. क्या बात, क्या बात है. ये पॉलिटिशियन बनने की क्वालिटी आप में शुरू से ही थी. सुदीप सर आपने
स्पेशली केरला की टीम के बारे में क्यों बोल, इनसे क्यों? सर इट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, वन स्मॉल रिक्वेस्ट सर, आस्क हिम दैट क्वेश्चन। ऐसा क्यों? नहीं साहब आप सीनियर है, आप ही बोलिए। सीनियरिटी के बाद किधर से यार, आप बोलो। मैं तो सिर्फ आपको देख रहा हूँ, बाद में कपिल सर को देख रहा हूँ। मैनेजमेंट डिसीशन है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। एक बार ना भाई ये बातों से याद आया, हमारे इंटर कॉलेज जो यूथ फेस्टिवल होता है, तो दो कॉलेज उनकी टीम्स बड़ी स्ट्रांग थी, भांगड़ा टीम फोक डांस की, तो एक कॉलेज लगातार जीत रहा था, दूसरे कॉलेज ने क्या किया, उन्होंने प्रोफेशनल्स डाल लिए, ऐसा भांगड़ा किया उन्होंने, वो ट्रॉफी ले गए जी, तो जो हार गए बेचारे उन्होंने बाहर जाके उनसे छीन ली। कहते डिजर्व हम करते थे, तुम लोगों ने प्रोफेशनल डाले। बाकी सुदीप सर भाई एक करेक्शन है जी, हम कभी ट्रॉफी नहीं जीते। ये भी ऐसे ही ऊपर वाला सब देख रहा है ना। मुंबई कभी नहीं जीती ना टीम? जीती है सर, सीसीएल शुरू होने के पहले। 20-25 साल हम ही जीतते हैं। और एक क्लैरिफाई भी करना सर, लास्ट ईयर हम लोग सेमीफाइनल तक गए सर, बंगाल बॉम्बे को भी लास्ट ईयर, लास्ट सीजन में हम लोग हराए। इसी एक बात पे पूरी जिंदगी निकाल देंगे। हमने एक बात तो हराया है। एक दिन मैं चेंजिंग रूम में गया था पाजी, एंड जिशु सब वापस आ रहे, जिशु एकदम गुस्से में था और बाकी बंगाल के प्लेयर्स भी गुस्से में थे, तो मैं बोला क्या हुआ, आई थिंक कर्नाटक के साथ खेल रहे थे, कुछ 3-4 पेस बॉलर्स थे, तो सब पतलून उतार के देखा, ये देखो इधर बॉल लगा, ये देखो इधर लगा, इधर लगा, मेरे को नहीं खेलना, कितने फास्ट डालते, पूरे बदन पे लाल धब्बे थे। मैं सोहेल को बाहर आके बोला, सोहेल यार ये यार खींचा तो पेस बॉलर्स पे क्या है यार। हमारे क्या है ना, हमारे बॉलर्स एब्सोल्यूट पवेलियन से दौड़ के आते हैं और डालने से पहले थक जाते तो रुक के ऐसे डालते। जोक्स अपार्ट, दुबई में जो मैच हुआ था हम लोग का, सर इन लोग का एक बॉलर था सर, सर ये बैट कर रहे थे सर, फर्स्ट बॉल में वो सोचा फर्स्ट डाउन या विकेट विकेट लिया, तो आ रहा है इस आई डोंट नो हिज नेम, फर्स्ट बॉल बैट उठाया सर, बॉल दिखी नहीं विकेट कीपर के हाथ में। मैं बोला इसको तो दिखाना चाहिए, हम लोग भी बंगाल के सर, जाके विकेट विकेट ठोक के आगे वापस। नेक्स्ट बॉल फिर बैट उठाया सर, बॉल नहीं दिखा, ऊपर उधर में ना वो किलोमीटर को जो कितना हाँ, स्पीड में बॉल स्पीड दिखाते हैं, घुमा सर देखा 140। मैं बोला ये कहाँ से आया। मैंने अंपायर को जाके बोला सर नेक्स्ट टाइम मैं आपके गोदी में आता हूँ जब स्पीड ले लेगा। आई डोंट नो वो कौन था सर, अरुण होगा, अरुण झूठ मत बोल बोल कौन था वो, मणिकुटन, एंड दैट विकेट कीपर पाजी, विकेट कीपर एट दैट स्पीड स्टैंडिंग अप टू द विकेट, तो मूवमेंट भी करो तो ऐसे लगता है कि तो या तो स्टंप कर लेगा या बोल्ड होना ही है, तो बैट ही क्यों उठाए। अच्छा सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, जैसे ही कोई ऐसा बॉलर लाते हैं लोग ना, कि डाउट हो गया कि ये थोड़ा एक्टर नहीं है, इसको लाया गया है, तो मान लीजिए मुझे कंप्लेन करना है, तो इसके पहले वो सबसे पहले हमारे पास आएगा, और भाई साहब मैं आपका बड़ा फैन हूँ। अब जो कंप्लेन करने वाले हैं, हमारा सीसीएल इसलिए भी खास है कि आपने तो बड़ी क्रिकेट खेली है, देश को कितनी बार जिताए हैं, हमारा ही सीसीएल ऐसा है कि जब बैट्समैन आता ही है तो उसके साथ रनर आता है, एक साथ चार बैट्समैन आते हैं पिच पे, चार आते आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन बैटिंग करने वाला है कौन रनर है, उसमें भी एक खास बात आज बोल देने तो मुझे एक आया रनर लेके आया है तो घायल है, बैटिंग किया रनर वो भी दौड़ा ये भी दौड़ रहा है, तो पहला तेरा रनर है, पता चला चारों दौड़ रहे हैं। मोदी साहब डांटे या ना डांटे आ जाए, जब भी डांटे For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.